चलो है। अभी हम वायरल पिंकी के गांव में हैं और यहां पे आज मनीष कश्यप पहुंचे हुए हैं, जिनके लिए वायरल पिंकी बहुत आवाज उठाई और सरकार से खुद लड़ने के लिए तैयार हो गई थी। यहां देखिए पीछे मनीष कश्यप जी आए हुए हैं वायरल पिंकी से भेंट करने के लिए। मनीष कश्यप जी से बात करेंगे और जानेंगे आज वायरल पिंकी के घर आकर मनीष कश्यप जी को कैसा लग रहा है। और बहुत ही मतलब आवाज उठाई थी वायरल पिंकी की मनीष कश्यप मेरे घर है, यहाँ पे मनीष कश्यप जी आए हुए हैं, बात किया जाएगा। स्वागत है स्वागत है आज वायरल पिंकी के आप घर आए हैं, कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है जी? मतलब हम तो बिहार में ऐसे ही घूमते रहते हैं। तो पिंकी बहुत ही छोटी है, आपके लिए बहुत ही अधिक आवाज उठाई, आप जेल में थे तब। हाँ। बोल रहे थे कि सरकार से भी लड़ जाएंगे, हम जेल चल जाएंगे लेकिन अपना भैया के निकाल लेंगे, इसको लेकर क्या कहिएगा? सबसे बड़ी बात है कि पिंकी की माँ जो है वो 5वां क्लास तक पढ़ी है जी, सिर्फ जी। और पिंकी जो है एक गरीब परिवार की बच्ची है जी। और सबसे पहले पिंकी से पहले पिंकी की माँ ने मेरे लिए आवाज उठाया। सही बात है। तो जब माँ का आशीर्वाद मेरे साथ था तो पिंकी का भी जो है साथ तो होता ही जी। और तब जाके जो है, और सबसे मुझे तो पता नहीं था यहाँ पे हर घर की महिलाएं जो है जो या तो मेरी चाची लगेंगी माँ लगेंगी वो लोग जो है यहाँ पे हरसिद्धी जो पावर प्लांट है यहाँ पे एचपी गैस प्लांट जो है उसके सामने जो है बगल में जो है उन लोगों ने प्रदर्शन किया था बिहार बंद में। तो ये सारी चीजें हैं, तो कहीं नहीं तो कहीं इन लोगों के वजह से जो है मैं 9 महीना के अंदर जेल से निकल पाया। और वायरल पिंकी के मतलब माँ है, इसके माँ के पहला वीडियो मैंने ही बनाया था एचपी गैस प्लांट के पास, क्योंकि इसी एरिया में मेरा घर है और पहला वीडियो मैंने ही बनाया था। और वायरल पिंकी बोल रही थी कि मनीष भैया लग रहा है मेरे घर नहीं आएंगे, बहुत दिन हो गया बाहर निकले हुए, और रो भी रही थी, उसका भी हम वीडियो बनाए थे, आज आ गए हैं, क्या कहिएगा? तो मैं तो जेल से जब निकला था घर आया था उसके तीसरे दिन ही मैं यहाँ पे आ रहा था, लेकिन फोन पे बातचीत नहीं हो पाया, इसका मोबाइल स्विच ऑफ था पिंकी का जी। तो फिर आज भी बातचीत नहीं हो पाया, लेकिन आज मैंने सोचा था कि नहीं मुझे जाना ही चाहिए तो मैं आया। अच्छा आज वायरल पिंकी के आप घर आए, क्या कुछ देने के लिए आए या भेंट करने के लिए आए, क्या सोच कर आज इसके घर आ गए? मैं मुलाकात करने आया था और हौसला बढ़ाने आया था, और सिर्फ पिंकी का ही नहीं इस गांव के हर एक बच्चों का हौसला बढ़ाने आया था कि आप लोग जो है अच्छा काम कीजिए, पढ़ाई कीजिए और अपने दम पे जो है अपने गांव का अपने शहर का जो है विकास कीजिए। बहुत ही मतलब अच्छा लगता है आपका रिपोर्टिंग, और बहुत ही मतलब अच्छा आप काम करते हैं, गरीबों का आवाज उठाते हैं, फिर भी आपके साथ इस तरीके गलत किया जाता है, क्या कहिएगा? वो तो आपको भी पता है कि बिहार में कितने लोगों को जो है निर्दोष लोगों को फंसा दिया जाता है, आपको भी पता है, वो तो सबको पता है। और बिहार में बहुत अधिक बेरोजगारी है, बिहार में लोग पढ़ता है बाहर में जाकर काम करता है, बिहार में एग्जाम होता है पेपर लीक हो जाता है, एग्जाम सही समय पे नहीं होता है, इसको लेकर क्या कहिएगा? देखिए ये सारी चीजों का एक ही समाधान है, बिहार में बिहार के गरीब बच्चों को रोजगार दे दीजिए। अगर बिहार में बिहार के गरीब बच्चों को रोजगार दे देंगे सारे समस्या का समाधान हो जाएगा, सारे समस्या का। अच्छा अभी आए हैं वायरल पिंकी के घर, आप इसके घर के जस्ट मतलब बगल में एचपी गैस प्लांट है, बहुत ही बड़ा गैस प्लांट है, लेकिन वहाँ पे इधर के मतलब एक भी व्यक्ति का उसमें मतलब जॉब या काम नहीं मिला हुआ है। उसके पीछे का रीजन ये है कि अगर यहाँ के बच्चों को काम मिलता तो नेताजी को घूस नहीं मिल पाता, ठीक है? तो नेताजी लोग सेटिंग किए कि बाहर के बच्चों को रोजगार देंगे, उनसे घूस ले लेंगे और किसी को कानो कान पता भी नहीं चलेगा। अगर मान लीजिए प्लांट यहाँ पे बना है तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? इस गांव के किसी भी बच्चों को रोजगार नहीं मिला है, ऐसा इन लोगों ने बताया मुझे। उल्टा में इस गांव के लोगों के ऊपर केस भी कर दिया गया है, केस कर दिया गया, आवाज लोना उठा है। तो यही तो सच्चाई है, बिहार में सब लोग बोलता है कि हम गरीबों की पार्टी है, दलितों की बाती है पार्टी है, वंचितों की पार्टी है, पिछड़ों की पार्टी है, अति पिछड़ों की पार्टी है, तो काहे नहीं रोजगार दिए? सही बात है, रोजगार काहे नहीं रोजगार दिए? उल्टा करके इन लोगों पर एफआईआर कर दिया गया, तो ये सब गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा अभी मतलब आप जेल से बाहर आ गए, बहुत सारी जगह पर आप जा भी रहे हैं, अच्छा क्या आगे मतलब क्या राजनीति में आना है या ऐसे ही माइक लेकर पूरा मतलब गरीबों के लिए आवाज उठाना है? देखिए हमने निर्णय कर लिया है कि हमको क्या करना है और सही समय पे आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है। और हमारा एक ही लक्ष्य है कि किसी भी हाल में बिहार को बदलना है और बिहार के गरीबों का हक जो है जो नेता और नेता के बच्चे जो है मार रहे हैं वो ना मारे और बिहार के गरीबों का हक जो है बिहार के गरीबों को मिल जाए। क्या मतलब बिहार के लोग क्या सोचे कब तक मतलब गरीबों को न्याय मिलेगा, कब तक गरीब को बिहार में रोजगार मिलेगा, गरीब को बिहार में इलाज हो जाएगा? जब बिहार के लोग जातिवाद के नाम पे वोट नहीं देंगे उसके 5 साल बाद बिहार जो है बदल जाएगा।
अच्छा बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं कि आप राजनीति में आइए, खड़ा होइए, आप हम रुपया देंगे, आप लड़िए, इसको लेकर क्या आप लोगों से पूछिए ना, लोग जवाब सारे हम लोग क्या कहिएगा, यहाँ मनीष भैया का सपोर्टर है, सपोर्ट कीजिए, हम लोग दिल से सपोर्ट करेंगे मनीष भैया, मान लीजिए राजनीति में आते हैं अगर इलेक्शन में खड़ा होते हैं तो क्या आप लोग वोट, हम लोग पूरे दिल से वोट देंगे मनीष भैया को, पूरे दिल से वोट देंगे हम लोग मनीष भैया को। आज आप वायरल पिंकी के माँ है, आप लोग आवाज उठाए, आज मनीष आप लोग के घर पे आए, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी होगा काम के, बहुत खुशी हो रहा है, आपके घर आए हैं क्या कुछ देने के लिए आए थे या ऐसे इवेंट करने के लिए? कंप्यूटर लैपटॉप लेकर आए थे पिंकी के लिए। अच्छा कंप्यूटर और लैपटॉप लेकर आए थे। देखिए यहाँ आज मनीष कश्यप आए हुए थे वायरल पिंकी के घर और लैपटॉप कंप्यूटर लेकर आए थे देने के लिए, हजारों की संख्या में भीड़ है और बहुत ही दिनों से कहीं ना कहीं इंतजार था पिंकी का कि मेरे घर कहीं ना कहीं मेरे भैया मनीष कश्यप आएंगे, और आज मनीष कश्यप आकर यहाँ वायरल पिंकी का कहीं ना कहीं हौसला बुलंद किए, और अभी वायरल पिंकी के छठ घाट पे यहाँ मनीष कश्यप पहुंच चुके हैं, और देखिए यहाँ पे बहुत सारे यहाँ भीड़ लगा हुआ है और वायरल पिंकी ये दिखा रही है यहाँ पे अभी तक, मतलब ये छठ घाट है और यहाँ सीढ़ी भी नहीं है कि लोग जाएगा अर्घ देने के लिए, देखिए कितना सारा लोग है यहाँ पे। कृष्णनंदन पासवान मुखिया जी बनी, वो घाट बनवा दे, अभी तक घाट न बने तो हमको विश्वास रहा मनीष कश्यप अभी तक नेता मदद करता, गरीब आवाज उठाता, लोग सहारा करता, तो हम ये से बताते पद पर कहके हम लोग अपन समस्या दिखा के समस्या का समाधान कर। इतना सारा लोग यहाँ बन लोग देखिए पूरा का पूरा लोग वायरल पिंकी के गांव के है लोग, और ये लोग सपोर्ट है कि अगर मनीष कश्यप खड़ा होते हैं हम लोग खड़ा भी कराएंगे और उनको जिताएंगे, कहीं ना कहीं गरीबों के लिए आवाज उठाते हैं, न्याय दिलाते हैं और गरीबों का बात सुनते हैं, बड़े बड़े नेता है कमीशन लेते हैं और वहाँ पे बात को दबा देते हैं। यहाँ वायरल पिंकी का छठ घाट है, यहाँ पे विधायक जी खुद बोले थे कि यहाँ पे छठ घाट ये बनवाएंगे लेकिन अभी तक नहीं बना। क्या बोले थे? कृष्णनंदन पासवान दो बार पासवान यहाँ के विधायक है, विधायक है, पहले भी विधायक रहे हैं, अभी भी विधायक है, कौन से और बीजेपी से है, बोलिए क्या दिक्कत है? तो पहले भी वादा किए थे जब हम घाट बनवाएंगे जीतेंगे, अभी राम मंदिर नहीं बनवाए हैं, अभी राम मंदिर बनवाने दूसरा वादा करके गए जब फिर बनवाएंगे तब भी नहीं बनवाए, अभी हाल देखिए क्या है, एक भी माटी भी नहीं रखा गया, अभी वो हिमालय से पत्थर तूर के मुंडिया पे पत्थर लेके आ रहे होंगे, राम मंदिर बनवा रहे होंगे, हनुमान जी तो नहीं है, हाँ उसी में व्यस्त होंगे, क्या कहेंगे? राम मंदिर बनने के बाद कहीं ना कहीं छठ घाट बन जाएगा, आपका कहना है? नहीं आप हमारा बतवे नहीं समझे, फिर से बतलाइए, अब बताला दिए, एक रील का बातें था, दोबारा बोलेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, आप उसको बैक करके वीडियो देखिएगा समझ में आ जाएगा। भैया बहुत सारे लोग कहते हैं कि मनीष कश्यप केवल मतलब दूसरे पार्टी के लिए आवाज उठाते हैं, बीजेपी के लिए आवाज ही नहीं उठाते हैं, लेकिन आज तक बोल रहे हैं कि बीजेपी में है लेकिन यहाँ वादा किए कि घाट बनवाएंगे लेकिन अभी राम मंदिर बनवाने बोलता है। हम जेल से जब निकले तो नीतीश कुमार जी के गाँव में नहीं गए, जो हरनौत में पुल बन रहा था हम आवाज नहीं उठाए, कौन बोलता है ये सब जो है अफवाह कौन फैलाता है, हम लोगों के लिए है, लोग जो है मुझे आशीर्वाद दे के जेल से बाहर निकाले हैं। आपको पता है मनीष कश्यप के पास औकात नहीं था कि 15 को केस में बेल लेके आज इस पे एन से लगा और 9 महीना के अंदर जेल से बाहर निकल जाए, सब लोगों के आशीर्वाद की वजह से हुआ है। सही बात है। और मेरे दरवाजे पे मेरे माँ का आंखों का आंसू पूछने कोई अमीर नहीं गया था, यहाँ तक कि मेरे भी जाति का कोई अमीर व्यक्ति जो है मेरे दरवाजे पे नहीं गया, मेरे जाति का कोई नेता नहीं गया मेरी माँ का आंखों का आंसू पोछने, कोई अमीर नेता हाँ बहुत गरीब, हाँ गरीब गरीब लोग ये। गरीब लोग जो है ना वो लोग गए, उन लोगों ने भगवान से प्रार्थना किया, और हर जाति के लोग, आप किसी भी जाति का नाम रखिएगा उसमें जो है हजारों लाखों लोग जो आशीर्वाद मांगे मेरे लिए, और उन लोगों के आशीर्वाद के वजह से मुझे भगवान पे भरोसा है, कुछ लोगों को होगा नहीं होगा वो उनकी ये है, मुझे भगवान पे भरोसा है और मुझे इन माओं पे भरोसा था कि इन लोगों का आशीर्वाद जो है कभी खाली नहीं जाएगा, इन लोगों के आशीर्वाद के वजह से जो है मैं जेल से निकल पाया हूँ। देखिए बहुत ही अच्छा इन्होंने बात कहा, कहीं ना कहीं गरीबों के लिए आवाज उठाते हैं, गरीबों का आशीर्वाद था कि आज एनएस से भी हटा और बाहर आए और गरीब के लिए फिर आवाज उठा रहे हैं। वायरल पिंकी है, यही बहुत ही अधिक आवाज उठाई थी, उसके पहले वायरल पिंकी के अम्मा है, इनका पहला वीडियो मैंने ही बनाया था, आवाज उठाया था, और बहुत सारे लोगों ने मनीष कश्यप जी को आशीर्वाद दिया और कहीं ना कहीं प्यार किया, उसके वजह यह बाहर निकले और बाहर निकलने के बाद फिर गरीबों का आवाज उठा रहे हैं। बाकी आप लोग अपना कमेंट अपना राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, बाकी यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद, बाकी आप देख रहे थे पी न्यूज बिहार और मेरा नाम हुआ पप्पू कुमार।